हाय, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अक्टूबर फेवरेट्स इतना लेट नहीं आना चाहिए, मेरे को पता है, लेकिन फॉर ऑल द न्यू मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली आई एक्चुअली अपलोड मंथली फेवरेट्स ओनली आफ्टर दैट मंथ इज ओवर एंड भूल जाती हूँ कभी। ज्यादा मैं बड़बड़ नहीं करूंगी, लेट्स स्टार्ट। ये महीने में सबसे ज्यादा आपको होम स्टफ मिलेगा बिकॉज यू सॉ वी जस्ट गॉट आवर ओन प्लेस। आई एम गोना बी स्टेइंग देयर काफी ज्यादा। इट्स नॉट अ स्टूडियो, इट इज अ होम ओनली, बट इट्स एन एक्सटेंशन टू दिस प्लेस। वो मैं वीडियो लिंक कर देती हूँ, उसमें पूरा है कहानी। लेकिन I do have nay hair and skincare things. One of the things I am most excited about is our planners. So we are going to have planners this year. Mostly if things go right, then in a couple of weeks. I don't want to say they're going to be the best, but mere se jo bhi best ho pa raha hai, I'm doing it and I think you will absolutely love it. Even with the price point, I'm trying to keep it as close to the price point jo aapko chahiye, jo aapne mereko bataya tha Instagram pe. Comments mein bhi bata dena exactly aapke kya expectations hai. But dude, it's going to be epic. Please wait for them to launch. Fir agar aapko पसंद नहीं आ रहा कोई और प्लानर लेना है तो गो अहेड, बट जस्ट वेट फॉर देम टू लॉन्च, फिर ही आपका प्लानर लेना अगले साल के लिए। बिकॉज आई पर्सनली थिंक दैट दे टोटली वर्थ द वेट एंड देर गोइंग टू कम आउट बहुत अच्छे से। तो इवन दो देर नॉट आउट येट, व्हाई देर इन अक्टूबर फेवरेट्स इज बिकॉज़ आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अक्टूबर से। यार बस वेट कर लो थोड़ा प्लीज। कमिंग टू स्किन केयर, फर्स्ट थिंग आई हैव टू शो यू है ये प्लम का बॉडी वॉश। इट इज अमेजिंग एक्चुअली। इनके साथ कैंपेन होना था जिसके लिए प्रोडक्ट मेरे को आया था, कैंपेन तो नहीं हुआ, बट द प्रोडक्ट इज सो गुड एंड मेनली इसका प्राइस पॉइंट मेरे को पसंद है। MRP इज 380। आई डोंट नो इस पे ज्यादा ऑफर्स रहते हैं कि नहीं। मेरा जो बाथ एंड बॉडी वर्क्स वाला था, इट इज अमेजिंग, इट्स रियली गुड। अगर मेरे को दोनों में से चूज करना था, मैं मोस्टली वो चूज करती जिस पर द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, बट द प्राइस पॉइंट ऑफ दिस इज सो गुड। यार ये भी टक्कर दे रही है, पता है। हैव बीन यूजिंग इट रेगुलरली। मेरा बाथ एंड बॉडी वर्क्स वाले के साथ क्या हुआ कि वो एक्सपायर हो गया 1.5 साल पहले एंड आई वाज स्टिल यूजिंग इट, बट अब मैं उसको मेकअप ब्रशेस धोने के लिए यूज करती हूँ, तो इसलिए आई हैव मूव्ड टू दिस कम्प्लीटली। दूसरा स्किन केयर फेवरेट है प्लम सीड लिप। आई डोंट नॉट श्योर कि एग्जैक्टली ये क्या है, ये लिप मास्क है कि क्या सीन है। मेरे होंठ फटने शुरू हो गए, पता है। मुंबई में इतनी ठंडी ऑलरेडी, तो प्रॉपर दिसंबर वाली ठंड कैसी होगी। एंड आई एम समवन जो भूल जाता है क्या क्या तकलीफ नॉर्मली होती है, तो वन ऑफ माई वेरी क्लोज पर्सन इन माई लाइफ वॉज लाइक, आई एम प्लानिंग टू गिफ्ट यू अ लनेश का लिप बम। आई नो के विंटर में योर लिप्स आर गोना ब्लीड एंड आई ओनली फॉरगॉट कि हाँ यार ये होता है। तो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग दिस विद द होप के लिप्स की वो पारी ना आए, बट अगर वो आएगा तो मैं शायद लनेश वाला ट्राई करूंगी। थर्ड प्रोडक्ट इज ये मॉइस्चराइजर डर्मावी वाला, बिकॉज ये थिक है, ये न्यूट्री से थोड़ा ज्यादा थिक है। माई स्किन इज नीडिंग दैट। ये एरिया जो है ना नाक के आस पास ऑलरेडी मेरे को फटना शुरू हो गया है, तो आई एम यूजिंग इट ऑल ओवर माई फेस विद द होप के मेरा फेस बाकी का ना जले, बिकॉज यहाँ पे ना सर्दी जल्दी से नहीं होती है। एंड आई हैव अ फीलिंग कि अगर ये रेट पे सर्दी बढ़ते गए ना, तो दिसंबर में माय स्किन केयर विल बी मोर प्रोडक्ट्स वाला, बिकॉज आई थिंक आई विल नीड टू टेक द सपोर्ट ऑफ लिटिल मोर थिंग्स। ये था स्किन केयर। कमिंग टू हेयर केयर ब्रो, डाइसन डाई फ्रिकिंग सन, PR में कुछ नहीं आया है भाई। खुद के पूरे 41,000 खुद भरे हैं इसके। जब भी वो पैसे गए तभी से मेरे दिल में हो रहा था कि मैंने गलती तो नहीं करती। सिंस इट्स इन द मंथली फेवरेट्स, नहीं की अपन ने गलती, इट इज ग्रेट। द ओनली प्रॉब्लम इज मैंने जितना ब्लॉग्स में यूज किया है ना, आई थिंक यू मस्ट हैव सीन मी यूज इट इन हाउस वाला ब्लॉग, हाउ द मोर दैट्स द ओनली अमाउंट ऑफ टाइम्स आई गॉट टू यूज इट। मेरा गोल है कि मेरे को मेरे लाइफ में ऐसा रूटीन चाहिए कि मैं आराम से उठूँ, सुबह मेडिटेट करूँ, वर्कआउट करूँ, रोज नहाऊँ। मैं 1.5 साल में एक शावर जो नहीं खत्म कर पाई, डैड एक बॉटल एक महीने में खत्म करता है, मैं इतना कम नहाती हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अ बाथ एवरी डे, आई वॉन्ट टू टेक टाइम टू सेट माई हेयर एवरी डे, आई वॉन्ट टू वॉश माई हेयर रेगुलरली। आपको आइडिया आ सके कि डू यू एवर वॉन्ट टू परचेज इट इन योर लाइफ और नॉट, एंड इफ यू डू तो हाउ यू कैन सेव अप फॉर इट। नाउ कमिंग टू द होम डेकोर, होम सेटअप करना ना अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती है, पूरी अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती है। फर्स्ट was this cartoon wala doormat, it is cute, it's not that kiddish, there were more frog ones and bear ones jo mujhe cute lage, but I thought ke hilly thoda zyada shayad kiddish ho jayega, to maine ye ek owl wala liya. kitna pretty hai yaar, लोकल स्टोर में ऐसा मिलेगा किसने सोचा था यार, पर सुपर गुड। थर्ड वन है
है ये, तो मैं सेम तो लिंक नहीं कर पाऊंगी शायद, बट जो भी मुझे क्लोजेस्ट मिलेगा उसको मैं लिंक जरूर कर दूंगी। नेक्स्ट है ये एंटी स्लिप मैट, ये ना बहुत ज्यादा हैंडी आता है। द न्यू होम इज अ फ्यू फ्लोर्स अबव दिस होम, इसलिए मैं उसको ऊपर वाला घर बोलती हूँ। तो जो ऊपर वाला घर है उसमें तो ऐसे भर भर के ड्रॉवर्स है, एंड उसमें मैं काफी बार स्किन केयर या मेकअप वगैरह भी ऐसे रख देती हूँ। ये जो ड्रॉवर लाइनर्स है ना वो मैं बिछा देती हूँ, उसके ऊपर सामान रखती हूँ। आई जस्ट फील एक समाधान कि वो खराब नहीं हो। फिर ये वाली बैग खोलते हैं, और ये इतनी हैवी है मेरे को याद ही अंदर है क्या। सबसे पहले तो ऊपर प्लांट्स है, एक है ये पिंक फ्लावर्स वाला प्लांट और वही थोड़ा सिमिलर है पर्पल फ्लावर्स वाला प्लांट। ये तो डिस्प्ले पे लगा हुआ था, नाम लाइक मेरे को ये चाहिए आप प्लीज मेरे को निकाल के दो, तो उन्होंने निकाल के दिया। वो एक्चुअली क्वाइट अफोर्डेबल, जो मैं अफोर्डेबल बोलूँ ना तो प्लीज मेरे को समझो कि मुंबई स्टैंडर्ड रेट्स आर वेरी हाई। मैं मुंबई के रेट से कंपेयर कर रही हूँ एंड नॉट फ्रॉम अदर एरियाज वेर यू गेट बेटर क्वालिटी स्टफ देन दिस बट एट अ बेटर रेट। तो जब मैं आऊंगी आपके यहाँ तो ऑफकोर्स आई विल शॉप एज पर द कॉमेंट्स, बिकॉज आई सी कॉमेंट्स कहाँ पे क्या बेटर मिलता है। लेकिन अभी जब तक मैं यहाँ हूँ और जब तक यहाँ से शॉपिंग करनी है तो ये रेट तो देना पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज मोर अफोर्डेबल कम्पेयर टू अदर स्टोर्स आई हैव सीन हियर। 200 रुपए फॉर दैट इज चीपर फॉर मुंबई स्टैंडर्ड सरप्राइजिंगली। ये भी उतने का ही था, एंड ये सिर्फ एक लीफ वाला है, इस पे कोई फ्लावर्स नहीं है। आई एम नॉट प्लान्ड येट कि मैं उसको किधर लगाऊंगी। फिर ओ हो हो भर भर के मैंने डबल साइड टेप लिया। आई एम अ टेप फ्रीक, इसलिए बैग में वजन था। दीज बैग्स आर नॉट ओपन ना सिंस द टाइम आई हैव कम बैक बिकॉज आई हैव नॉट फिल्म्ड अक्टूबर फेवरेट। से बैग ऐसे कैसे पड़े, पापा से 10 बार गाली खा चुकी हूँ कि हेली अब तो वो घर भी आ गया है प्लीज पुट इट देयर, एंड आई एम लाइक नहीं इफ आई कीप इट देयर देन आई फॉरगेट, बिकॉज अभी तक वहाँ पे मैंने पेंट किया नहीं, आई एम नॉट फिल्मिंग देयर स्टिल। मैंने अक्टूबर में ही ले लिए थे ये कैंडल्स दिवाली की तैयारियां, तो यू नो सिंस व्हेन आई हैव स्टार्टेड ओवर हाइप पर्सन हियर। माय पेरेंट्स रियली वांट टू ट्रैवल एंड आई डोंट वांट टू ट्रैवल, बट इन देयर माइंड दे डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू ट्रैवल, तो आई डोंट नो क्या सीन होने वाला है। उसके लिए अभी से ताले लेके रखे। यही होता है काफी बार कि अगर तुम दुकान में हो नहीं हो लाइक हाँ ये 6 महीने बाद काम आएगा बट सस्ता है तो अभी ले लेते हैं। स्टिकर्स दैट सो क्यूट यार। तो मैंने एक पैकेट हिमानी के लिए लिया था और एक मैंने खुद के लिए लिया, दिस आई एम गोइंग टू पुट ऑन माय हार्ड ड्राइव्स के बॉक्स। दैट्स हाउ आई डिस्टिंग्विश माय हार्ड ड्राइव्स की कौन सी वाले, क्योंकि बक्से सबके प्लेन ब्लैक ही आते हैं। मेरे को एक बार टेक एक्सेसरीज भी लॉन्च करना है क्लासिक में अगर हो पाए तो। ब्लैक इज क्लासी बट थोड़ा वेराइटी अवेलेबल तो होना चाहिए। फिर मोर टेप एंड लॉट्स मोर टेप, दीज आर एक्चुअली फॉर पेंटिंग ऊपर वाला घर। ये आपको पिंक दिख रहा है इधर पिंक ट्राइंगल, वो मैंने खुद किया है। जो बेस व्हाइट है ना वो मैंने खुद नहीं किया है, मेरे में उतना एफर्ट लेने का एनर्जी नहीं है, तो पूरा घर प्लेन व्हाइट पेंट कराया है किसी से। उसके ऊपर जो सारी डिजाइनें करनी है ना वो मैं खुद करूंगी, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू व्लॉग इट। अगर आपको कोई भी डिजाइन पसंद आए यू विल इजीली बी एबल टू रिक्रिएट इट, सारे के सारे एकदम ईजी है। उसके लिए आई विल बी नीडिंग अ लॉट ऑफ टेप। की चेन मिल गया यार, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने व्लॉग में बताया था कि नहीं, बट फाइंडिंग गुड की चेन्स इज टफ, एटलीस्ट मेरे को बहुत टफ पड़ा था। एक अच्छा लगा था मेरे को कीचेन एच शेप का एक्सेसराइज से मिला था, जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्राइस वाज 695। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज देम क्योंकि एवरीवन हैज द राइट टू प्लेस व्हाटएवर एमआरपी दे वांट, लेकिन एज अ कंज्यूमर आई यूजुअली डोंट स्पेंड दैट मच ऑन कीचेन्स। ये वाला मेरे को आई थिंक 100 रुपए का मिला था, तो मैं ये ले आई। वो एक्सेसराइज वाला भी मैंने लिया, यस आई बॉट इट, बिकॉज ये स्टोर में मैं बाद में गई थी एक्सेसराइज के, वो मैंने गाड़ी के चाबी पे लगाया है बट आई रियली लाइक इट एवरी टाइम आई सी इट। रबर बैंड से मम्मी के थे पता नहीं इधर के, सॉरी दिस मंथली favorites has turned into a mini random haul, but that is what our monthly favorites are anyway friends. अभी एक ही बैग बाकी है, मैं है पेंटिंग का सामान। तो एक है ये छोटू रोलर, एक है ये बड़ू रोलर ऑल्सो पेंटिंग करने के लिए। लास्ट टाइम के मैंने सिर्फ ट्रे संभाले, रोलर्स फेंक दिए क्योंकि रोलर्स में से ना छुब्बू निकल रहे थे, तो छुब्बू फिर ना पेंट में फंसता है ना तो वो खराब करते फिनिशिंग। फिर एक बड़ा पेंट ब्रश और रोलर और एक रोलर तो जरूरत पड़ रही है क्योंकि देर आर 9 walls आई हैव टू पेंट, तो बार बार हैव टू कीप चेंजिंग द पेंट, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा रोलर्स ले लिए थे सेफ्टी के लिए। एंड एक सुपर बड़ा ब्रश, इतना बड़ा ब्रश ताकि ज्यादा सर्फेस कवर हो, और द स्मॉलेस्ट ब्रश आई कुड फाइंड, इससे भी स्मॉल होते होंगे बट मैं तो अभी फिलहाल ये ले आई हूँ, जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे, बाजू में ही है दुकान। परफेक्ट चीज पे अपन वीडियो, एंड मैंने 2 socks लिए थे कि क्यों है, ठीक है चलो। तो दिस इज द 1 pair ऑफ सॉक्स, एंड लता दाई हैज बीन बिहाइंड माई लाइफ के हेली तेरे मोजे में छेद पड़ गए, वाई डोंट यू चेंज देम, एंड इट टोटली मेक्स
सेंस. नॉर्मली इनर वेयर भी मैं अच्छी आई कीप देम अपडेटेड एंड फ्रेश. तो मैं मोजे में इतना आलस क्यों करती हूँ मेरे को पता नहीं. दैट इज व्हेन आई थॉट के लेट अस रिप्लेस आवर सॉक्स. एक जोड़ी ले आई हूँ मैं. दीज वर फॉर 47 रुपीज विच इज अ गुड प्राइस. मुंबई स्टैंडर्ड से गुड प्राइस. मैंने मिनीसो से 3 मोजे लिए 300 के शायद एंड उसी में काफी जल्दी छेद पड़ रहे थे. तो ये जो कॉटन मटीरियल है ना दे लास्ट वेल. नो शो सॉक्स मेरे फेवरेट टाइप के सॉक्स है अपार्ट फ्रॉम वो नाइकी के एंटी शूबर्ट. मेरे पास अभी तक वो नाइकी के एंटी शूबर्ट सॉक्स है बाय द वे. आई थिंक मैंने 4 साल पहले बनाई थी उसके ऊपर वीडियो चैट से. अभी तक है मेरे पास सारे के सारे. बट राइट नाउ मेरे को बिना दिखने वाले मोजे बहुत पसंद है क्योंकि मैं जूते ही पहनती हूँ. आजकल आउट ऑफ 195 टाइम्स मैं जूते ही पहनती हूँ. उसके अंदर मेरे को पसीना बहुत आता है. मैं वेरी स्वेटी पर्सन. ऊपर से मैं नहाती नहीं. हफ्ते में मैं 3-4 बार तो नहाती हूँ. This video is I don't know what, but I'm really happy कि मैं ऐसे सेटअप में शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अलग लेवल का कम्फर्ट फील हो रहा है यार. Cozy today. तो हम जो पसीना बहुत आता है. I don't like washing my shoes again and again. I like to use them for as long as possible and I feel like उनको धोने से उनका लाइफ थोड़ा कम होता है. मुझे कम्फर्ट भी ज्यादा मिलता है when I wear socks. एक ही ले आई हूँ. Regretting कि मैं सिर्फ एक क्यों ले आई. मेरे पीछे जो भी मोजे पड़े ना मैं वो आगे ले आती हूँ. आधा टाइम तो मैं यूज नहीं करती पता है. I had these cartoon socks जैसे from Zivame. वो मैंने पहने नहीं. नीचे चले गए होंगे ड्रॉर के. तो I'll have to like reshuffle. And then I think we'll have enough socks to use. But this was my October favorites. I hope you enjoyed this video. मजा आया तो thumbs up दे देना. मजा नहीं आया तो thumbs down दे देना. I feel a little distant क्योंकि I've just been uploading videos with topics. मेरे को एक पूरा pointless video upload करना है जिसमें मैं सिर्फ बात कर रही हूँ आपसे. एक तो मेरे को story time डालना ही है about how we found the home. Firstly how I got the permission to kind of move out क्योंकि वो बहुत interesting है. I got a lot of messages saying कि आपको भी ऐसा कुछ करना है. तो स्टोरी शेयर करने से शायद आपको हेल्प मिल जाए अबाउट हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स बिकॉज़ इट इज नॉट इजी. वो स्टोरी टाइम बनाना है उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा एंड देखते हैं फिर कैसा जाता है आगे. आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय.